आज़ाद विजन के साथ आज आप देखेंगे चेरी ब्लॉसम, विस्टेरिया और पियोनी फ्लावर्स। ये तो यो यूरोप और एशियन कंट्रीज में मिलते हैं, लेकिन इसे हमने कश्मीर ट्रैवल में आपके लिए खोज निकाला होटल अशाई राजबाग में। तो चलें मेरे साथ कश्मीर। सबसे पहले ये हम आपको दिखा रहे हैं चेरी ब्लॉसम का फ्लावर। चेरी ब्लॉसम का फ्लावर कन्फ्यूज मत कीजिए, ये चेरी की ट्री नहीं है। ये जो है नॉट फॉर चेरी ट्रीज दैट प्रोड्यूस फ्रूट फॉर ईटिंग, इट इज़ कंसिडर्ड, ये जो है सिर्फ फूल देती है और इसे नेशनल फ्लावर ऑफ जापान भी कहा जाता है। हम श्रीनगर में मौजूद हैं राजबाग के पास और सबसे जो ज़ीरो ब्रिज के आसपास हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमने देखा जो रोड है, सड़क है और ख़ासकर जो प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट जो यहाँ का मशहूर स्कूल है उसके बाहर चेरी ब्लॉसम के काफ़ी फूल लगे हैं। स्प्रिंग सीजन में जब भी आइएगा कश्मीर को तो ये आपको मिलेगा। खूबसूरत सा फ्लावर है और अपने प्लांट्स जो है ये इतना खूबसूरत है कि ये मुझे इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करता है और बहुत अच्छी इसकी मतलब जो अटायर है बहुत अच्छा देखने में लग रहा है ये, और चारों तरफ सड़क पर ये इतना खूबसूरत लग रहा है स्प्रिंग सीज़न में। ये मैं अगर आपको और डिटेल में बताऊं तो ये जो चेरीज ब्लॉसम का फ्लावर है ये तो यूरोप का है, लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो खूबसूरती है, ये कश्मीर में भी पाया जाता है और स्प्रिंग सीज़न में आप इसे खिला देखिएगा हमेशा चारों तरफ। मेनी ऑफ देम वेयर विद द टिपिकल चेरी ट्री शेप्स एंड फ्लावर्स फॉर चेरी ब्लॉसम व्यूइंग दैट पीपल टुडे इमेजिन, चाइना में मिलता है, जापान में मिलता है। तो ये है चेरी ब्लॉसम आपके लिए। हम जब प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर जॉगर्स पार्क है और रोड के दोनों तरफ ये फूल लगा हुआ है और अभी फुल ब्लूम पर है, ये स्प्रिंग का सीज़न है, फुल ब्लूम पर है। तो आप अगर कश्मीर घूमने आइएगा, श्रीनगर जरूर आइएगा, तो यहाँ पर ज़रूर देखिएगा ये आके रोड पर इतने खूबसूरत फ्लावर चेरी ब्लॉसम। अगला फ्लावर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज वो है विस्टेरिया। विस्टेरिया फ्लावर भी एक खूबसूरत सा फ्लावर है जिसके बारे में अनवर अशाई साहब जो हमारे फ्लावर एक्सपर्ट हैं, जो जिनको आपने कई हमारे शो में देखा होगा, आज आपको विस्टेरिया के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो देखते रहिए आज़ाद विजन। अब हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट जनाब अनवर अशाई से इस खूबसूरत फूल के बारे में। जी बताएं। ये इसको चाइनीज विस्टेरिया कहते हैं। जी ये क्रीपर टाइप है, प्रोफ्यूजली फ्लावर करता है और जब धूप खिलेगी, इस वक्त तो धूप गई है, बादल हैं, एक प्रोफ्यूजली गिव्स अरोमा, बड़ी सेंट होती है इसमें। जी कितने दिनों तक ये रहता है? 10-15 दिन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्प्रिंग फ्लावर्स यहाँ पर। ये ट्री के रूप में भी मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर ट्री के रूप में लगा है और यहाँ पर सामने हेज के रूप में लगा है, तो क्या ये दोनों क्रीपर्स और इसमें भी चलते हैं? इसको प्रूनिंग से ट्री भी बना देते हैं, क्रीपर भी बना देते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और ये एक बार लगाने के बाद कितने दिनों तक ये ट्री रहता होगा गार्डन में? खुद मरे ना, काटे ना इसको। अच्छा 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 अच्छा। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, इसका नाम विस्टेरिया है और ये अभी तो मैं इस वीडियो के जरिए आपको खुशबू नहीं दे सकता, लेकिन बहुत ही खुशबूदार है, अपनी खुशबू चारों तरफ बिखेरता है।
ये एज ए ट्री भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और ये एज ए क्रीपर भी, ये देखेंगे पूरी दीवार पर ये लगा हुआ है। अगला जो आज का हमारा जो सीरीज का आखिरी फ्लावर है वो है कॉमन प्यूनी फ्लावर, जो हम अपने एक्सपर्ट से इसके बारे में जानेंगे। अब हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे इस स्पेशल बड़े बड़े फूल के खूबसूरत लग रहे हैं, बताइए अशाई सर। इसको कहते हैं, ये रूटेड प्लांट है। क्या कहते हैं इसको? वुड वुड पियोनिया। ओके। ये एक बार लगाने के बाद फिर आप अपने गार्डन में इसे छोड़ सकते हैं। ये तो फ्लड से पहले मेरे पास ये 40-50 थे। अच्छा, डिफरेंट कलर जी। फ्लड में फिर जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, 2014 में जो फ्लड आया था कश्मीर में, सारे घरों में भर गया था, इनका भी काफी पानी दिनों तक भरा था, इनके काफी कलेक्शंस थे जो खराब हो गए, लेकिन अभी फिर से ये रिवाइव कर रहे हैं। और इन्होंने बताया ये स्पेशल फ्लावर के बारे में, ये जो फूल खिला है वो कितने दिनों तक ये फूल रहता है? महीना भर एक खिला हुआ फूल रहता है। जो उम्मीद है आपको हमारी फ्लावर सीरीज आदा विजन की पसंद आई होगी और आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया होगा। नहीं किया है तो अभी ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। आगे आने वाले दिनों में हम आपको और फूड और ट्रेवल्स के अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे, तो देखते रहिए मेरे साथ आज़ाद विजन यूट्यूब पर।